नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित देवी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हुए थे फ्रेंड, जिनको रेड फोर्ट ट्रायल भी कहा जाता है। देखिए, रेड फोर्ट ट्रायल्स पहले ट्रायल को कहा जाता है, उसके बाद जो सेकेंड ट्रायल हुआ था उसको रेड फोर्ट के बगल में एक बिल्डिंग थी वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। टोटल 10 ट्रायल्स हुए थे इंडियन नेशनल आर्मी के। ठीक है, मैं आपसे केवल रेड फोर्ट ट्रायल्स के बारे में बात करूंगा, तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ये तीन लोग जिनके रेड फोर्ट ट्रायल हुए, जिनका जिनका ट्रायल हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, थे एक ढिल्लों साहब थे, एक शाहनवाज खान जी थे, एक प्रेम सहगल जी थे। ठीक है, तो इनका ट्रायल हुआ था और उसमें क्या हुआ, उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ, हर चीज़ हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके साथ साथ ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो ट्रायल चले थे इंडियन नेशनल आर्मी के, ये चले थे नवंबर 1945 से लेके मई 1946 के बीच में। कोर्ट मार्शल था ये, बहुत सारे इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स का था। आपको इंडियन नेशनल आर्मी का मैं पूरा बैकग्राउंड बता चुका हूँ। इंडियन नेशनल आर्मी पहला वर्जन जो था, उसके बाद जो सेकेंड आई थी, फिर उनकी जो लीडरशिप थी मोहन सिंह के में, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में राजबिहारी बोस जी का क्या रोल था, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी आए थे। ठीक है, तो राजबिहारी जी का रोल और सुभाष चंद्र बोस जी का रोल, ये सारे रोल्स इंडियन नेशनल आर्मी के मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। सबकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उनका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ आने से पहले उन वीडियोस को जरूर देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने उनके एक्सपेडिशंस भी बताए थे, उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कैप्चर कर लिया था, शहीद स्वराज उसका नाम जान लिया गया था। अर्ली 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ पे गए भी थे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, फिर मोयरंग में उनका मेमोरियल है, सब कुछ मैंने बता रखा। तो वहाँ जरूर देखिएगा जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे। अच्छा, इस इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत से चार्जेस लगाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि वर्ल्ड वॉर दो के दौरान मैंने टॉर्चर किया, मर्डर किया, ट्रेजन, ट्रेजन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को धोखा दिया, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी के ही सैनिक थे, सिंगापुर में प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे, और फिर जापान ने इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इंडियन नेशनल आर्मी में बदल दिया और उसको ब्रिटेन के खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया। तो ब्रिटेन ने बोला कि आप हमारे सैनिक थे और हमारे बार अगेंस्ट आपने गद्दारी की। उन ब्रिटिशर्स बेवकूफ़ों को कोई बताए कि जब हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन के वहाँ छूट गए थे तो हमारे बचाने की जिम्मेदारी भी तो ब्रिटिशर्स की थी, तो तुमने बचाया। जब सिंगापुर में और बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन में जब ब्रिटिशर्स जापान से हारने लगे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, तो ब्रिटिशर्स छोड़ के भाग गए इनको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तब क्या ब्रिटेन ने उनको बचाया वहां पे, और उसके बाद उनके खिलाफ ट्रेजन के चार्जेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो किस हिसाब का ट्रेजन हुआ यहाँ पे, चलिए फिर उसको आगे देखते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रायल हुआ था जो कि रेड फोर्ट में हुआ था उसको बोलते हैं रेड फोर्ट ट्रायल्स। टोटल 10 कोर्ट मार्शल हुए थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला जो हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे, दूसरा वाला एक एडजेसेंट बिल्डिंग में हो गया था। ठीक है, उसमें हम आते हैं। अब क्या हुआ फ्रेंड, जनवरी 1945 तक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, राज बिहारी बोस जी की हो चुकी थी मृत्यु। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। मैंने सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी डिस्कस की, उसमें मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के पास हर माइन्यूट डिटेल उनके बारे में मैंने बता रखी है। तो उन पर जो मैंने वीडियो बनाई है उनकी बायोग्राफी की, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी जाके देख सकते हैं। तो राज बिहारी बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजबिहारी बोस जी के अंडर में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी और इंडियन नेशनल आर्मी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंदर ही माना गया था। और सुभाष चंद्र बोस जी, इन दोनों का मेन रोल था, दोनों प्रिज्यूम किया जा रहा था कि दे आर डेड। अब INA लीडरलेस थी और वर्ल्ड वॉर टू के एंड पे उसकी इंडियन नेशनल आर्मी की जो मार्च थी वो खत्म हो गई थी, जापान सरेंडर कर चुका था, इंडियन नेशनल आर्मी का जो बैकग्राउंड सपोर्ट था जापान के फॉर्म में वो खत्म हो चुका था। तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो भी एक्सपेडिशन था, जो भी मार्च था इंडिया की तरफ फ्री कराने के लिए, दिल्ली चलो वाला, पूरा खत्म हो चुका था। अब जब इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों को पता चला, सोल्जर्स को पता चला कि सब खत्म है, अब हमें पकड़ा जाएगा, तो बहुत सारे सोल्जर्स तो अपने आप को बचा ले गए, जैसे जैसे कुछ लोग लोगों में मिल गए, कुछ लोग दूसरी जगह जाके भाग के सेटल हो गए, लेकिन लगभग 16,000 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया, उनको शिप में भर के इंडिया भेज दिया गया। और इंडिया में ऑल ओवर इंडिया डिटेंशन कैंप्स सेटअप किए गए और उन डिटेंशन कैंप्स में इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बंद किया गया, अरेस्ट करके रखा गया, क्योंकि अब इनके ऊपर ट्रेजन के चार्जेस लगने वाले थे। ट्रेजन मतलब आपने ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार से गद्दारी की है, ये इन पे चार्ज लगाया गया। ठीक है, ट्रायल स्टार्ट हुए, उस ट्रायल में किसके किसके, सबसे पहला जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट ट्रायल, उसमें किसके इसके ऊपर इल्जाम था, कोलोनल गुरबख्श सिंह ढिल्लों,
जो कि एक सिख थे, कोलोनल प्रेम सहगल ये हिंदू थे, मेजर जनरल शाहनवाज खान ये मुस्लिम थे। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला ट्रायल ऐसे तीन लोगों के अगेंस्ट में हो रहा है जिसमें एक सिख है, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है। यहाँ पे एक चीज़ तो हो गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पे इनको बचाने के लिए एक फिटिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि एक तो मुस्लिम है और एक हिंदू है, ठीक है। अब इनको एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर सिंगापुर से अरेस्ट किया गया था, इनको इंडिया लाया गया और बोला गया कि पब्लिक ट्रायल होगा, पूरी पब्लिक के सामने इनका ट्रायल होगा और इनको सजा सुनाई देगी। और हाँ, इनको काउंसिल्स भी प्रोवाइड किए गए, काउंसिल्स मतलब प्रॉपर एडवोकेट आएंगे, ठीक है, और आके इनके खिलाफ पूरा एक कोर्ट चलेगा, ट्रायल होगा, उसमें ब्रिटिश सरकार का एक वकील होगा, वो अपना पक्ष रखेगा, इनकी तरफ से ये जो एक्यूज्ड हैं, ठीक है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इनकी तरफ से कुछ वकील होंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे और फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। अब यहाँ पे हुआ ये कि पहली बार, और कह सकते हो कि वन ऑफ द लास्ट टाइम, पहली बार तो नहीं बोलना चाहिए, पहले तो बहुत कुछ हो चुका था, पर ये आखिरी बार ऐसा हुआ होगा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर कुछ किया होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा और मुस्लिम लीग का जो ग्रीन झंडा है, वो दोनों झंडे यहाँ पे थे फ्रेंड्स, और दोनों पार्टीज पूरी दम लगा के, मुस्लिम लीग भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, इन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बचाने की कोशिश कर रही थी। इंडियन नेशनल आर्मी की एक डिफेंस कमेटी बनाई गई और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने सबसे काबिल और सबसे प्रख्यात वकील जो थे उस समय के, उनको रखा, जिसमें भूलाभाई देसाई जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, अरुणा असफ अली थी, कैलाश नाथ काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू जी थे। तो बड़े बड़े वकीलों को रखा गया था। और जब ये पब्लिक ट्रायल चल रहे थे तो बहुत तरीके के केस एक्ट्स को, लॉज को, इंटरनेशनल प्रीसीडेंट्स को कोट किया गया, मिलिट्री लॉ पे बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लॉ, सब पर बात हुई। लेकिन कितना भी अपोजिशन हुआ, कितने भी दलीलें रखी गई, कोर्ट ने सजा सुनाई कि तीनों डिफेंडेंट्स को पूरी लाइफ के लिए आप डिपोर्ट कर दीजिए। डिपोर्टेशन फॉर लाइफ मतलब एक तरीके का एग्जाइल हो गया। एग्जाइल मतलब कि किसी सेक्लूडेड जगह पे इनको भेज के वहां पे जेल में बंद कर दिया जाएगा। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी को क्या हुआ था कि उनको बर्मा जेल पे भेज दिया गया था, लेकिन कुछ सालों के लिए भेजा गया था। डिपोर्टेशन ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि इंडिया से बाहर किसी एक आइलैंड पे या फिर किसी दूसरी कंट्री में इनको भेज दिया जाएगा और पूरी जिंदगी ये वहां पे रहेंगे। मतलब इनको एग्जाइल में भेज दिया जाएगा, डिपोर्टेशन ऑफ लाइफ दे दिया कि इंडिया में कभी नहीं आएंगे, वहां पे रहेंगे जाके अरेस्ट में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स कि इंडियन नेशनल आर्मी की पॉपुलैरिटी उस समय तो बहुत बढ़ गई थी। इंडिया में सुभाष चंद्र बोस जी को लोग हीरो मान रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी के पर्सनल्स को लोग हीरो मान रहे थे, लोग इनको कहते ना लुक अप टू कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमको फ्री कराने के लिए, हमको इनको साथ देना। और इस पब्लिक ट्रायल के अगेंस्ट में इतना आक्रोश था लोगों ने, लोग सड़कों पर उतर आए थे। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को यह बात पता थी, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी थी, बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी लोगों की इन लोगों की तरफ। और इंडिया की जो सबसे दो पार्ट बड़ी पार्टीज थी जिनको दिख रहा था कि अब बस उनको अपनी आज़ादी मिलने ही वाली है, वो भी पूरी तरीके से इन लोगों को बचाने के सपोर्ट में थी। और ब्रिटिशर्स क्या इनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाएंगे, ब्रिटिशर्स को खुद लगने लगा था कि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ राज नहीं कर पाएंगे, उनको खुद पता चल गया था कि वो राज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो फिर इन पे क्या करेंगे। ऊपर से गवर्नमेंट चेंज भी ऑलमोस्ट हो ही गई थी और ये बात कह दी गई थी कि इंडिया को अब जल्दी आवाज़ दे दी। गवर्नमेंट चेंज कौन सी, कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट चेंज होते बोला कि भैया हम इंडिया छोड़ देंगे, इंडिया को आज़ाद करो, ठीक है। तो जब आज़ाद करने की बात आने लगी तो ये तो इंडियन नेशनल हीरोज थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इनको आप क्या सजा दोगे। समझ में आने लगा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कि इनको अगर सजा दे दी तो बवाली मच जाएगा। ये वो समय थोड़ी ना चल रहा है 1930 का कि भैया आपने भगत सिंह, अगस्त सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया और कुछ कर नहीं पाया कोई, कि भाई भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया, कोई कुछ नहीं बचा पाया उनको। अब तो भाई पब्लिक रोड पर उतर आई थी। तो अब हुआ क्या कि इतना ज़्यादा अनीज उठ के आ गया कि जो आर्मी चीफ फील्ड थे मार्शल क्लॉड ऑचिन लॉग, उन्होंने तीनों डिफेंडेंट्स के सेंटेंसेस को कम्यूट कर लिया। कम्यूट कर दिया मतलब उनको एक तरीके से माफ कर दिया। एंड में हुआ ये फ्रेंड्स कि आप देखिए, इसके बाद जो सेकंड ट्रायल हुआ, जितने भी लोगों के खिलाफ ये पब्लिक ट्रायल चले थे, सबको ये बोल के कि हाँ आपकी जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो हम आपको नहीं देंगे, जो आपको सैलरी एलरी मिली है वो हमको वापस कर दिया, उसका सबको फ्री छोड़ दिया गया था, किसी को कोई सजा नहीं दी गई थी। अंग्रेजों की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो किसी को कोई सजा दे। सारी पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग को, जितनी भी और पार्टीज थी, सपोर्ट कर रही थी, इवन कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हें सारी पार्टी सपोर्ट कर रही थी इनको। लोगों में आक्रोश था और ब्रिटिशर्स को खुद नहीं पता था कि वो कितने दिन तक इंडिया में रहने वाले हैं, उनको छोड़ना ही पड़ा इन लोगों को, इन लोगों को आज़ाद कर दिया गया था।
तो ये था फ्रेंड्स रेड फोर्ट ट्रायल। पहला ट्रायल हुआ था, किसके किसके खिलाफ हुआ था ये सब भी मैंने आपको बता दिया। उसका सेकंड ट्रायल हुआ, फिर उसका 10 ऐसे ट्रायल्स हुए थे, सबको छोड़ दिया गया, ऑलमोस्ट सबको। तो ये था फ्रेंड्स इसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें, और अगर नहीं भी पसंद आ रही तो मुझे बताएं जरूर कि कहाँ पे आपको कुछ चेंज चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।